हवा महल विधानसभा सीट से राजस्थान से बीजेपी के उम्मीदवार रहे बाल मुकंदाचार्य करीब 950 वोट से 900 वोट से चुनाव जीत गए हैं, और चुनाव जीतते ही कल वो अपने क्षेत्र में एक्टिव भी हो गए और मांस की अवैध दुकानों के ऊपर उन्होंने कार्रवाई करने की बात भी करना शुरू कर दी। कुछ जगहों पर वाद विवाद भी सामने आया, कई दुकानों से लाइसेंस भी मांगते हुए दिखाई दिए, मतलब कि साहब अब पूरी तरीके से एक्टिव हो गए। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के हवा महल सीट से नव निर्वाचित विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने सड़कों से अवैध मांस की दुकानों को हटाने का अल्टीमेटम दिया है। इस बाबत उन्होंने अधिकारियों को फोन भी किया और स्वयं जाकर अवैध तौर पर चल रही दुकानों को बंद भी करवाया। विधायक की मांग पर अमल करने के लिए पुलिस ने 2 दिन का समय भी मांगा है। सोमवार 4 दिसंबर को आचार्य बाल मुकुंद आचार्य के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, जिनमें वो अपने क्षेत्र में अवैध दुकानें ना चलने देने का ऐलान करते हुए दिखाई दे रहे थे। भाजपा विधायक आचार्य बाल मुकुंद आचार्य का पहला वीडियो 30 सेकंड का है। इस वीडियो में वो कई लोगों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं, उनके हाथ में कुछ कागजात हैं, दूसरे हाथ में फोन स्पीकर पर है, जिसमें कि दूसरी तरफ से एक अधिकारी की आवाज आ रही है। विधायक ने अधिकारी से सवाल किया कि क्या खुले सड़क पर मांसाहार बेचा जा सकता है। अधिकारी ने बिल्कुल नहीं में जवाब दिए। अगले सवाल के तौर पर भाजपा एमएलए ने अधिकारी से पूछा कि क्या वो खुले में मांस की बिक्री का समर्थन करते हैं, तो अधिकारी ने फिर से जवाब में ना कहा। आखिर में आचार्य बाल मुकुंद ने अधिकारी को शाम तक सड़क पर दिखने वाले तमाम नॉनवेज बेचने वाले ठेलों को हटाने के लिए कह दिया। इसके जवाब में अधिकारी ने ठीक है कहा। बीजेपी एमएलए ने यह भी कहा कि वो शाम को अपने आदेश पर हुए अमल की रिपोर्ट फिर से मांगेंगे। वहीं एक अन्य वीडियो में आचार्य बाल मुकुंद आचार्य को एक नॉनवेज बेचने वाले की दुकान के आगे खड़ा देखा जा सकता है। इस वीडियो में उन्हें कुछ पुलिसकर्मियों से बहस करते हुए भी सुना जा सकता है। वीडियो में दिख रहे मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने भाजपा विधायक से नॉनवेज ठेलों को हटाने के लिए 2 दिन का समय भी मांगा। एक अन्य वीडियो में आचार्य बाल मुकुंद आचार्य को यह कहते हुए सुना गया कि वो जयपुर में कोई भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठियों को नहीं रहने देंगे। अफगानी नाम की एक नॉनवेज शॉप पर उनको अधिकारी से लाइसेंस लाने के लिए भी कहते सुना गया था। इस बीच आचार्य बाल मुकुंद की इस कार्रवाई पर कुछ स्थानों पर मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने विरोध भी किया। वहीं सोशल मीडिया पर भी कट्टरपंथी, लिबरल और वामपंथी गैंग उनके कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करने लगे। अपने नाम के पीछे त्यागी लगाने वाले मुस्लिम पत्रकार वसीम अकरम त्यागी ने विधायक बाल मुकुंद आचार्य द्वारा की जा रही कार्रवाई को गलत ठहराने की कोशिश करी। वसीम अकरम ने लिखा कि बाल मुकुंद आचार्य अपने साथ गुंडे लेकर मुस्लिमों की दुकान बंद कराने पहुंचा था। ये गुंडे मुस्लिमों को भद्दी गालियां दे रहे थे। वसीम अकरम ने नरेंद्र मोदी और राजस्थान पुलिस को टैग करते हुए कार्रवाई की मांग करी। साथ ही उसने विधायक आचार्य बाल मुकुंद को आने वाले समय का नासूर भी बता डाला। दिल्ली के कांग्रेस नेता मोहम्मद समीर ने विक्टिम कार्ड खेल दिया। उन्होंने आचार्य बाल मुकुंद द्वारा की जा रही कार्रवाई की जद में आने वाले अवैध दुकानदारों को गरीब समुदाय विशेष का दर्जा दे डाला। कार्रवाई को उन्होंने हमले का नाम दिया। कांग्रेस नेता समीर ने भाजपा को जिताने पर नाराजगी जताते हुए आगे कहा कि उनको राजस्थान से कोई हमदर्दी नहीं है। खुद को किसान पुत्र और लेखक बताने वाले हंसराज मीणा ने आरोप लगाया कि विधायक आचार्य बाल मुकुंद उनके मुस्लिम भाइयों को मां बहन की गालियां दे रहे हैं। हंसराज ने विधायक बाल मुकुंद को गुंडा बताते हुए उन पर कार्रवाई की मांग करी। हालांकि हंसराज मीणा द्वारा शेयर किए गए वीडियो में दूसरा पक्ष भी विवाद की मुद्रा में दिखाई दे रहा है और पुलिस बीच बचाव करती हुई नजर आ रही है। जिस जगह पर यह विवाद हुआ, एक दुकान का बोर्ड अरबी भाषा में दरअसल लिखाई पड़ता हुआ दिख रहा है। अपने नाम में त्यागी लगाने वाले वसीम अकरम ने 57 सेकंड का जो वीडियो शेयर करके भाजपा विधायक आचार्य बाल मुकुंद आचार्य पर मुस्लिमों को मां बहन की गाली देने का आरोप लगाया है, वो काफी आधा अधूरा है। इस मामले में पूरा वीडियो एक नरेश विश्वनाथ नाम के हैंडल ने शेयर किया है, जो कि करीब 2 मिनट 8 सेकंड का है। वीडियो के पहले हिस्से में विधायक बाल मुकुंद पुलिस से खुलेआम बिना लाइसेंस चल रहे अवैध बूचड़ खानों की शिकायत करते नजर आ रहे हैं। इसी वीडियो में आचार्य बाल मुकुंद ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आरोप लगाया है कि उन्होंने पप्पू कसाई से दोस्ती की थी। उन्होंने इसी दोस्ती की वजह से कसाईयों का अवैध काम चलने की बात कही। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये सनातनी लोग हैं, अवैध काम चलने नहीं देंगे चाहे कोई भी हो। साथ ही उन्होंने कहा कि जिसे काम करना है वो लाइसेंस लेकर ईमानदारी से काम करे, हमें कोई दिक्कत नहीं। इस बीच सामने एक गली दिखी जहां पुलिस की सख्ती के बावजूद लोगों का जमावड़ा हो गया। ये जमावड़ा सड़क पर ही किया गया था, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत आ रही थी। जमावड़े में से नारेबाजी जैसी आवाजें भी आने लगी। पुलिस जमावड़ा लगाई भीड़ को वापस जाने के लिए कहती रही, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी तरफ से पुलिस के साथ खड़े विधायक बाल मुकुंद और उनके सहयोगियों को ललकारा जा रहा था। इसी के जवाब में आचार्य बाल मुकुंद के साथ मौजूद लोगों ने भी दूसरी तरफ खड़े लोगों को अपनी तरफ आने के लिए कहा। इसी तरह तनी के बीच कुछ लोगों ने गाली गलौज कर दी। हालांकि गालियां विधायक बाल मुकुंद ने नहीं दी। पुलिस ने बीच बचाव किया तो खुद विधायक बाल मुकुंद वहां से चले गए, जबकि दूसरी तरफ के लोगों का जमावड़ा इसके बावजूद बना रहा। पत्रकार कविश अजीज ने अफगानी दरबार होटल का एक वीडियो शेयर किया है, जहां विधायक बाल मुकुंद पहुंचे थे। कविश अजीज के मुताबिक राजस्थान में चुनाव जीतते ही भाजपा विधायक बाल मुकुंद ने मुस्लिमों की मीट की दुकान बंद कराना शुरू कर दिया है।
दरअसल महिला पत्रकार कविश अजीज ने अपने ट्वीट में लिखा कि जिस अफगानी होटल का जिक्र यहां पर किया जा रहा है, इसके मालिक ताहिर से जब बात करी गई तब कुछ और बात पता चली। दरअसल मुर्गे का मांस बेचने वाला ये होटल जयपुर के सुभाष चौक पर है, और बातचीत के दौरान ताहिर ने कबूल किया कि उसके पास होटल चलाने के लिए वैध लाइसेंस फिलहाल नहीं है। ताहिर का कहना था कि उन्होंने इसके लिए अप्लाई कर रखा है। अफगान होटल के मालिक ने यह भी बताया कि उनके साथ विधायक बालमुकुंद ने कोई मारपीट इत्यादि नहीं करी। वहीं ताहिर के अफगान होटल के पास ही आचार्य बालमुकुंद ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को जयपुर खाली कर देने के लिए भी कहा। मीडिया से बातचीत के दौरान ताहिर ने बताया कि उनके यहां मुर्गे का मीट बनाने वाले लगभग सभी कारीगर पश्चिम बंगाल के। होटल का नाम अफगानी दरबार रखने की वजह पूछने पर इसके मालिक ने इसे एक डिश से हुआ नामकरण बताया। आखिर में ताहिर ने कहा कि विधायक गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। नॉनवेज फूड स्टॉल को बंद कराने का अल्टीमेटम देने के बाद बालमुकुंद आचार्य अपने समर्थकों के संग अपर काशी इलाके में एमएम खान नाम के एक होटल के सामने पहुंच गए और वहां होटल मालिक से लाइसेंस मांगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये अपर काशी है, इसे कराची बनाना चाहते हो? बाबा बवाल है। एमएम खान होटल के बाहर पहुंचे बालमुकुंद आचार्य ने कर्मचारियों से कहा कि कहां है लाइसेंस, दिखाओ। सुनो इसमें बिल्कुल भी कोताही मत बरतना, दिमाग से निकाल देना। मैं मिठाई खाने वाला नहीं हूं, ना तो खाऊंगा ना ही खाने दूंगा। 1% भी दिमाग में ये बात मत रखना। एक के पास भी लाइसेंस नहीं है, आगे कब्जा कर रखा है, यहाँ टूरिस्ट आकर कैसे आएंगे, गंद मचा रखी। कराची बनाना चाहते हो क्या? ये अपराकाशी है, आंखें बिल्कुल मत दिखाना, बाबा बवाल। बता दें कि भैया हवा महल विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद ही बालमुकुंद आचार्य अपने क्षेत्र में काफी ज्यादा एक्टिव हैं। सोमवार को उनका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें जीत के बाद वो अधिकारी को नॉनवेज फूड स्टॉल हटाने के लिए लोगों के बीच फोन पर अल्टीमेटम दे रहे थे। उन्होंने लोगों के बीच अधिकारी को फोन लगाकर पूछा था कि रोड पर खुले में नॉनवेज बेच सकते हैं क्या। कल दिन भर सोशल मीडिया पर बालमुकुंद आचार्य के बारे में ही बातचीत चलती रही। क्या कहना है आप लोगों का इनकी इस कार्रवाई के बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे सुनिए फिलहाल, जय हिंद जय भारत।